फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी एक मोबाइल को ISP से कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या क्या उसमें हमको जंपर लगाने होते हैं, जो कि आप ऑनलाइन सीखते होंगे, यही चीज़ वो बताते हैं चार दिन के कोर्स में आपको कि ISP जंपर कैसे लगाना है, क्या क्या उसके अंदर आपको सप्लायाँ होती हैं, कैसे लगाना है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखें, थोड़ा भी स्किप ना करें, ये वीडियो आपको बहुत काम में आने वाला है। दोस्तों, क्या होता है जनरली ISP में कौन सी पिनें लगती हैं? अगर ISP की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, यहां पे आपको चार जो है जंपर लगाने हैं और उसके साथ आप डाटा केबल यूज़ कर सकते हैं। तो ISP के अंदर दोस्तों जो सबसे पहली लगती हैं आपको डाटा ज़ीरो, एक जंपर लगाना होता है, और दूसरा क्लॉक CLK, तीसरा CMD और चौथा ग्राउंड GND। ये चार जंपर दोस्तों आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूज़ करना चाहें VCC और VCCQ आप USB केबल से लगा सकते हैं, USB केबल, या आप उसे चार्जर भी बोल सकते हो, चार्जर भी लगा सकते हो, इससे आपको VCC VCCQ वोल्टेज मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों आपको कि VCC VCCQ क्या होता है, कितना होता है, VCC और VCCQ में दोस्तों ये होता है, ये VCCQ जो होता है 1.8 से लेके आपको 2.8 तक वोल्टेज मिलेगा, और VCCQ में 2.8 से लेके 3.3 तक, इसके बीच में कुछ भी वोल्टेज हो सकता है, अलग अलग मोबाइल के हिसाब से होता है। जनरली अगर VCCQ की बात करें तो ये 1.8 आपको देखने को मिल जाएगा, और अगर VCC की बात करें तो ये 2.8 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी और भी डिटेलिंग है बहुत सारी जो हम हमारी इमरजेंसी क्लास में बताते हैं, यहाँ पे आपको जो हम वीडियो में बना के देते हैं ये एक छोटा सा रिव्यू होता है, एक हमारा एक ओवरव्यू बताते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा प्रॉपर डीपली अगर सीखना है आपको कि ये क्या क्या और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ पे ऑनलाइन नहीं बताते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ISP से कनेक्ट करके किसी भी मोबाइल को UFI हो या फिर EFJ टाइप हो या मेडुसा ब्रो हो, ISP पिनआउट के थ्रू आप कैसे उसको अनलॉक कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चार जंपर आपको लगाने होते हैं, जनरली डाटा ज़ीरो, क्लॉक, कमांड और ग्राउंड, ये चार जंपर आपको लगाना है। ग्राउंड कहीं भी लगा सकते हैं, तो ये डाटा जीरो, क्लॉक, कमांड, ये तीन जंपर आपको लगाने हैं, ग्राउंड तो आप कहीं भी लगा सकते हो। तो ये एक ISP पिन आउट है। अगर जैसे मैं बात करूं एक ओप्पो A3S को आपको अनलॉक करना है, जो कि ऑनलाइन होता है। दोस्तों ये ISP जंपर उन हैंडसेट को लगाते हैं जो कि IC खोलना नहीं आता है, जो ऑनलाइन सीखते हैं वो लोग यही चार जंपर लगाते हैं, या फिर वो हैंडसेट को आप कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन फ्लैशिंग हो रहे हैं, ऑनलाइन अनलॉक होते हैं, ऐसे हैंडसेट को आप ISP से कनेक्ट करके उसे आप अनलॉक कर सकते हैं। तो OPPO A3S जो कि ऑनलाइन होता है, ऐसे हैंडसेट को आपको सबसे पहले जाना है गूगल में जाके आपको सर्च करना है OPPO A3S ISP। जैसे आप टाइप करोगे OPPO A3S ISP तो वहाँ पे आपको एक फोटो मिल जाएगा जिसके अंदर आपको दिख जाएगा डाटा जीरो, क्लॉक, कमांड। ये आपको जैसे ही दिख जाएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे फोटो, ये एक ISP का फोटो है स्क्रीन पे, जो राइट साइड में आपको मैंने डाली है ये फोटो। तो यहाँ पे डाटा जीरो, क्लॉक, कमांड आपको वहीं पे जंपर लगाना है। यहाँ पे क्लॉक और कमांड में आपको एक रजिस्टर मिल जाएगा, और डाटा जीरो की जगह यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे डाटा जीरो लगाना है। तो ये क्लॉक और कमांड जो होता है दोस्तों ये CPU से आता है, और आपको यहाँ पे आपको एक जंपर लगाने हैं। ये चार जंपर लगाने से आपका EMMC कनेक्ट हो जाएगा, आपको EMMC खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, विदाउट खोले आप ये चार जंपर लगा के आप अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, उसका MI अकाउंट हटा सकते हैं, उसका FRP हटा सकते हैं, उसको आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, EMMC की हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं, उसका डंप रीड कर सकते हैं, या फिर नई फाइल से आप उसे फ्लैश कर सकते हैं। तो आपको VCC VCCQ आप USB से भी दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे जंपर भी लगाने के ऑप्शन होते हैं EFJTEC और UFI के अडेप्टर के अंदर, ISP सॉकेट के अंदर आप उसमें आप जंपर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये ISP होता कैसे मैं आपको यहाँ पे डिटेल में भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। तो सबसे पहले मैं इसको इसको रफ कर देता हूँ। जनरली क्या होता है दोस्तों, ये आपका EMCP हो गया, जो भी EMMC आप बोलते हो, जो भी इसे बोल लो, और ये मेरा CPU हो गया, CPU और ये EMCP, इन दोनों के बीच में क्या होता है दोस्तों, एक पावर AC, इसको मैं पावर दे देता हूँ। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे आसपास में कुछ कंपोनेंट देखने को मिल जाएंगे, कैपेसिटर, रजिस्टर, तो इसके अंदर जो भी कमांड, क्लॉक और डाटा जीरो और VCC VCCQ जो होता है EMMC के बिल्कुल आसपास ही होता है जनरली। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अगर बात करूँ डाटा जीरो के लिए, A3S में इस तरह का एक पॉइंट दे दिया गया है, यहाँ पे आपको कुछ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक कमांड के लिए एक रजिस्टर है,
इसे हम CMD बोलते हैं। तो ये जो होता है दोस्तों, ये 10K का रजिस्टर होता है और इसका जो एक सिरा होता है वो EMMC के साइड से पावर AC से जुड़ा होता है और यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। कमांड से पावर AC का से एक सिरा जुड़ा होता है, एक CPU से जुड़ा होता है और एक EMMC से जुड़ा होता है। तो ये कमांड का एक रजिस्टर होता है जो कि 10 किलो ओम्स का रजिस्टर होता है जो कि हाई वैल्यू का, जैसे HVR भी बोलते हैं। एक आपको डाटा जीरो पे लगाना है, ये डाटा जीरो, ये कमांड। हमको तीन चीज लगानी है, CMD, CLK, डाटा जीरो और GND, ग्राउंड। VCC और VCCQ तो आपको चार्जर डाटा केबल से मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो एक और जो हमें क्लॉक लगाना है, क्लॉक के लिए भी आपको यहाँ पे एक रजिस्टर मिल जाएगा इस तरह का। और ये जो रजिस्टर होता है जीरो, ये जीरो ओम्स का रजिस्टर होता है और इसे हम CLK का नाम दे देते हैं, CLK की क्लॉक की सप्लाई है। तो ये जो आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जो MMC को करते हैं आप, इसमें डायरेक्टली हम UFI और ईजी अटैक या फिर जो भी प्रोग्रामिंग का बॉक्स है वो जो काम होता है दोस्तों, वो स्टोरेज के ऊपर होता है। स्टोरेज बोल सकते हैं। इसमें हमको CPU से कुछ लेना देना नहीं है, पावर से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जब हम अडेप्टर से, जब हम ISP सॉकेट से जब जंपर लगा रहे हैं तो हम ये सारे जंपर लगा रहे हैं और इसका EMMC के रोम के हिस्से में, EMMC भी हो या EMMC हो जो भी हो, इसमें दो हिस्से होते हैं, एक रैम का हिस्सा होता है हाँ, एक रोम का हिस्सा। तो हम जो जंपर लगाते हैं फ्रेंड्स, हम रोम के हिस्से में लगाते हैं, जिसे हम अगर बात करें तो रोम को हम MMC भी बोलते हैं या स्टोरेज बोल सकते हैं आप, या आप बोल सकते हैं इसको मेमोरी कार्ड की तरह होता है। इसमें आपको कुछ ये नहीं होता है, बस इसमें कमांड क्लॉक और डाटा जीरो, ये तीन जंपर लगाने हैं, ग्राउंड लगाना है, बाकी के आपको इस तरह से कनेक्ट कर देना है। आपको इसमें किस तरह से कनेक्ट होता है मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ आपको। तो इसमें आप जब ISP जंपर लगाओगे, जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह का आपको UFI के अंदर अडेप्टर मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CMD, CLK, डाटा जीरो, GND, VCC, VCCQ। तो आपको क्या करना है, ये कमांड का एक जंपर लेना है और लेके ये सीधा यहाँ से यहाँ कमांड के यहाँ पे दे देना है। ये क्लॉक का जो है सीधा इस तरफ, EMMC का साइड जो क्लॉक का साइड है, इस तरफ क्लॉक का रजिस्टर, और ये डाटा जीरो का, डाटा जीरो को क्या करना है आपको, सीधा यहाँ पे डाटा जीरो के ऊपर यहाँ पे जंपर लगाना है। बचा अभी एक ग्राउंड, ग्राउंड तो आप EMMC के पास कहीं भी PCB में, कहीं भी जहाँ भी ग्राउंड है वहाँ पे जंपर लगा सकते हैं। ये चार जंपर लगाना है और VCC VCCQ आपको डाटा केबल या चार्जर केबल लगाना है। ये 1.8 और 2.8 आपका वोल्टेज बन जाएगा। इस तरह से आपको ISP कनेक्ट होता है। ये ISP होता है दोस्तों, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आपको CPU के साइड से या पावर AC से कुछ लेना देना नहीं है। जो हम UFI और ईजी अटैक से जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, नए एंड्रॉइड की अनलॉकिंग करते हैं, वो करते हैं स्टोरेज के ऊपर। स्टोरेज के ऊपर और भी बहुत सारी डिटेलिंग इसके अंदर है दोस्तों, कैसे आपको प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे अनलॉकिंग करनी है, यही सारी चीज़ें दोस्तों। इस तरह से जंपर लगाते हैं आप तो UFI और ईजी अटैक में ये कनेक्ट हो जाता है। जैसे आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको अनलॉक करना है, तो बस UFI के अंदर तो बहुत सरल ऑप्शन है। आपको स्पेशल टास्क में जाना है, वहाँ पर जाके आपको अगर FRP रिमूव करना है या फिर आपको MI अकाउंट हटाना है, तो सबसे पहले फैक्ट्री रीसेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, फैक्ट्री रीसेट चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप करोगे पहले फैक्ट्री रीसेट, ये जाना है स्पेशल टास्क का एक ऑप्शन रहता है आपको UFI के अंदर। फैक्ट्री रीसेट करते हैं, उसके बाद में क्लियर FRP, इससे आपका FRP वगैरह हट जाता है। अगर MI अकाउंट है तो वहां पे MI अकाउंट के लिए भी ऑप्शन होता है रीसेट MI अकाउंट, बस ये UFI के अंदर होता है। अगर वही चीज आप ईजी अटैक में करते हो तो उसमें भी आपको वाइप डाटा का ऑप्शन होता है, ओप्पो रीसेट का ऑप्शन होता है, ओप्पो रीसेट का और वाइप यूजर डाटा, और उसमें भी एंड्रॉइड FRP का ऑप्शन होता है, एंड्रॉइड FRP क्लियर, ये सारे ऑप्शन है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, कुछ फाइलें ऐसी है वो भी देते हैं हम आपको स्टूडेंट को, जिसके अंदर आप अनलॉक करते हैं तो उसमें आपका डाटा भी जो है ना सेव रहता है, डाटा तक नहीं जाता है, आपका फोटोज, कॉन्टैक्ट, वीडियो सारे सेव रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, चाहे वो EMMC के ऊपर हो, चाहे UFI के ऊपर हो, चाहे ईजी अटैक के ऊपर हो, चाहे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के हो, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस मेरे इस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और एक
मेरे वीडियोस को आप शेयर करते रहिए अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।